अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शाम से। आप सबको चांद मुबारक। चांद मुबारक। ये मम्मी ने लाए हैं मिक्सर। हम लोग का मिक्सर खराब हो चुका था, एक और लाए थे लेकिन वो अच्छा नहीं था, तो आज ये मिक्सर लेके आए हैं। आया थे कुछ वो रखता मशीन, तो वो भी ले लो। ये एक एक्स्ट्रा ले आए छोटा वाला जार, कुछ भी मसाला पीसने के लिए। नहीं इसकी रबर नहीं, इस पे की नहीं आती शायद, है ना। नहीं अम्मी ऐसे टाइट है, इस पे की नहीं। बच्चों ने दुकान से चॉकलेट का डब्बा ले आए। अर्जन देखे अब्बा को, इसमें पीसेंगे मसाला, चटनी बना के रख लेंगे कल के लिए। पहले ये पीसा जाएगा सौंफ और धनिया, ये पीस के रख लेंगे पुलाव में डालने के लिए। फिर ये पीसेंगे धनिया, हम लोग ज्यादा बाहर का यूज नहीं करते, खुद ही पीस लेते। और इसकी बनेगी चटनी, दो टाइप की चटनी बनाएंगे, एक पुदीने कोतमीर की और एक में डालेंगे खोपरा और इमली, है ना। ये भी रखा है वॉश सोया हुआ, ये पुदीना है, ये कोतमीर है। मेरे पास खाली प्लेट है। अभी नए मिक्सर में पीसना स्टार्ट करते हैं। आया पीस के बता कैसा पीस रहा है ना मिक्सर में। ये अभी ऐसा पीसा गया है, अभी इसको और बारीक करेंगे। ये पीस चुका है, ये पीस चुका है, अब जा रहा है धनिया। ये वाला कटोरा उस मिक्सर में लगा नहीं अच्छे से, ये रिटर्न करना पड़ेगा। ऐश फिर से खा रही है मैगी और हाथ में उसके रोटी है, वो रोज वीडियो में खाती है। ये सौंफ और धनिया है, और ये धनिया है, इसको रख देंगे फ्रिज में। अभी बनेगी खोपरे की चटनी। ऐस चटनी भी खा ले रोटी के साथ, भूख लग रही है इसलिए खा रही हूं। कल से खाने नहीं मिलेगा ना अम्मी। लहसुन, लहसुन कितना? लहसुन ले ले पूरा। और कितनी सारी चटनी? मिर्ची, मिर्ची ले और पूरी ले ले। और इमली, इमली ले ले।
नमक भी डाल दो इसी में। अब इसको पीस के बताती हूँ। इसमें नमक ऐड हो चुका है, अब इसको टेस्ट करके कंटेनर में डाल के रख देंगे। अब ये बनेगी दूसरी चटनी। धनिया बस इसमें जाएगा, ये धनिया। पहले ना इसको थोड़ा घुमा ले, फिर ये डालेंगे। फिर ये डालेंगे इसमें लहसुन और हरी मिर्च। अब इसमें जाएगा लहसुन और हरी मिर्ची। नमक भी डाल दूँ ना अभी, और जाएगा नमक बस। चटनी हो गई है रेडी, इसको भी कंटेनर में करके रख देंगे। अभी के लिए और सैरी के लिए बनेंगे कबाब। ये चने की दाल, गोश्त, सूखी लाल मिर्ची और लहसुन और नमक डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिए। गल चुका है, अब इसको पीस लेंगे। ठंडा होने दे रहे, ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। क्या है रैश, वीडियो खराब करा दी है? बहुत दूर है मैं, वीडियो चलता है। चटनी भी रेडी हो गई है, अब इसको रख देंगे फ्रिज में। एक हफ्ता तो आराम से चल जाएगी, है ना अम्मी? दोनों चटनी, ये वाली भी खोपरे की और हरी मिर्ची की, कोथमीर पुदीने की। अभी इसको अच्छे से ठंडा करके इसको पीस लेंगे, अभी तो बहुत गर्म हो रही है। जब तक ये कबाब का मसाला ठंडा होएगा, अदरक लहसुन पीस लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो चुका है और ये भी ठंडा हो चुका है, अब इसको भी पीस लेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, यही मसाला गोश्त का, कबाब का मसाला, चना और गोश्त। हाँ वो मैंने बोल दी। अब इसमें डालेंगे ऑनियन, कोथमीर और हरी मिर्ची, उसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। इसका पानी भी हो गया ना, हाँ चलेगा उसमें ना, सुपर चलेगा। हाँ चलेगा। अब इसमें डालेंगे मीट मसाला, बस ना अम्मी चाट मसाला डालना है? नहीं ना, हाँ ये तो कम कर दिया।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वही है रोज सिरप है, दुकान पे से आई थी बॉटल का। अच्छा। चोवा काटती हूँ। इसमें दो अंडे डाल चुके हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीन अंडे मैंने फेंट लिए, कबाब को इसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी गर्म हो गया, इसको फ्राई कर लेंगे। फास्ट पे दवा चलेगा ना? हाँ फास्ट पे चलेगा। ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है, बस दो दो मिनट, क्योंकि ये पका हुआ ही है ना। बाकी ये बची है अभी फ्राई करने से, और ये फ्राई हो रही है। ये थोड़े से कबाब बचे हैं और वो फ्राई हो गए, और ये फ्राई हो चुके हैं। मम्मी वो बताओ तुम। और ये जो कबाब है ये हम लोग उठा के रख देंगे सहरी के लिए, सहरी में फ्राई कर लेंगे इसको। और ये खाना अभी खाएगा अनस, अनस बैठेगा अभी खाना खाने। रात के 11 बज चुके हैं। अभी वॉलपेपर लेके आया अनस ने, ये लाया है अनस ने वॉलपेपर। अब ये लगेगा कल, अभी तो टाइम नहीं है। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अनस अल्लाह हाफिज़ कर।